रुड़की क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद एक के बाद एक मेडिकल संचालक कार्यवाही से बचने के लिए खुद ही अपने मेडिकल का शटर बंद कर ताला लगाकर गायब हो गए हैं। रुड़की में नकली दवाइयों की बिक्री की शिकायतें मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रुड़की शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोरों पर औचक छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित दवाइयां तो नहीं मिली, लेकिन मेडिकल स्टोर में कई अनियमितता पाई गई जिन पर कड़ी कार्यवाही की गई है और कुछ स्टोर पर ताले लगा दिए गए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि उन्हें शहर में नकली और घटिया दवाइयों की बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कुछ स्टोर पर गंदगी और साफ सफाई की कमी पाई गई। उन्होंने साफ किया कि दवाइयां बेचने वाले जगहों की साफ सफाई बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधा लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि कई स्टोर पर दवाइयों के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही थी। मुझे आज जो है कुछ गंग नहर की कुछ मेडिकल स्टोर थे और कुछ इमली खेड़ा के आसपास की कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर दवाइयों की जो है गलत तरीके से उनका मिसयूज किया जा रहा है। तो हालांकि मुझे दुकान पर से ऐसा कोई कुछ भी मिला नहीं है, बट जारी रहेगी कि अगर कोई घर पर लगता है तो घर पर भी तलाशी की जा सकती है। और ऐसे ही दो तीन मेडिकल स्टोर अभी मेरे द्वारा बंद किए गए हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी अनियमितताएँ थी कि लोग दवाइयाँ रखते हैं और उनकी साफ़ सफाई सही से नहीं रखते हैं। तो दवाइयों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए उनका जो है स्टोरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी सेल्फ लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। तो ऐसे निर्देश भी दिए जा रहे हैं, कई लोगों को मैंने जो है निर्देशित किया है कि वो लोग अपनी दुकानें साफ करेंगे। और मेडिकल स्टोर पर कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि बच्चे दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो ऐसे में मैं दुकान का बंद करा के ताला लगा देती हूँ, ताकि जो है इस तरीके की हरकतें ना करें लोग। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।